व्यापारी से चौथ मांगने व परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाला शातिर गिरफ्तार। फिरौती का पैसा लेने आया आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में एक व्यक्ति को आर्थिक बदहाली ने मुजरिम बना दिया। फैक्ट्री मालिक ने उसे काम से निकाला तो आरोपी आर्थिक तंगी से जूझने लगा। पैसों की तंगी से परेशान होकर उसने योजना बनाई और फैक्ट्री मालिक से व्हाट्सएप के माध्यम से 5 लाख की फिरौती मांगने लगा। आरोपी व्यापारी और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। बुधवार की देर रात फिरौती वसूलने आए आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी करके दबोच लिया। थाना कोतवाली हाथरस में दिनांक 2/8 को आशीष अग्रवाल ने सूचना दी कि उन्हें काफी दिनों से व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से 5 लाख रुपए की वसूली और पैसा न देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिल रही। इस संदर्भ उनके द्वारा बताया गया कि सबसे पहले 11 जुलाई को एक व्हाट्सएप मैसेज आया उनके पास। उसके बाद उन्होंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद ही भिन्न भिन्न नंबरों से उन्हें धमकी आती। फिर आगे तो उन्होंने कोतवाली को सूचना दी। संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। क्योंकि मामला गंभीर था, प्रकरण अत्यंत संवेदनशील था, फिर पैसे की वसूली, पैसा न देने पर जान से मारने की परिवार से धमकी थी, उसको गंभीरता से लेते हुए उसमें पुलिस की टीम गठित की गई और पुलिस ने बड़ी सक्रियता और बड़े मनोयोग से इसमें कार्रवाई की। पुलिस ने योजनाबद्ध ढंग से इसमें कार्य करना शुरू किया। वादी को अपने संपर्क में लिया, उनसे जो लापरवाही सूचनाएं थी वो चीज़ें संकलित की। ग्राउंड लेवल पे जाकर के जो उनसे जानकारी मिली थी उसके संदर्भ में अब सूचनाओं का संकलन किया। सर्विलांस से भी तकनीकी सहायता, टेक्निकल एड प्राप्त की और बहुत कुछ सूचनाएँ पुलिस ने डेवलप की। इस बीच रात में इनको सूचना मिली, वादी द्वारा बताया गया कि वो विश्वास में आकर के पैसा लेने के लिए आ रहा है और ये कहा कि फैक्ट्री के पास आकर के मैं जो जगह होगी वहाँ पर बताऊँगा जहाँ पर पैसा दे। हमारी पुलिस टीम ने बड़े ही कुशलता से ये योजना बनाई और योजना भर से कार्य करते हुए उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के पश्चात ये ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति जो है वो फैक्ट्री मालिक के यहाँ पहले कार्यकर्ता था। उसे कुछ दिन पहले निकाल दिया गया था। पैसे की तंगी थी जिसको दृष्टगत रखते हुए वो इस तरह की व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अपने मालिक को धमकी और वसूली की बात कर रहा। अभी इसमें पूछताछ में एक तथ्य भी आया है कि उसका एक और साथी है जो जिसे ये सूचनाएं देता था, उसके विषय में बताता था, फिर वो वर्चुअल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से उसे धमकी देता था। इस पर अभी विवेचना की जा रही है, इसलिए अभी उसको बहुत स्पष्ट रूप से क्योंकि यहाँ उद्घाटित करना ठीक नहीं रहेगा। और इस तरह से पुलिस को सफलता मिली है जिसमें एक ही गिरफ्तारी हुई पुलिस मुठभेड़ के पश्चात और घटना का खुलास। पाँच लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। कुछ क्या करता था? फैक्ट्री मालिक के यहाँ ही फैक्ट्री में काम करता था। क्या बरामदगी में मैंने बताया आपको, पुलिस ने बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से इसमें कार्रवाई की और जो पहला भेजा गया था। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।